रिंग? आई पापा मुझे स्कूल जाना है। बिल्कुल जाएंगे आप स्कूल, लेकिन सबसे पहले आपका एडमिशन होगा, फिर आपको आपकी जैसे छोटी सी बैग दिलवाएंगे हम, फिर आप प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म पहनेंगे और फिर आप स्कूल जाएंगे। पापा मुझे स्कूल सुने आई भी से रखी। बिल्कुल, आपकी आई के साथ साथ आपके बाबा भी आएंगे आपको छोड़ने के लिए। सभी किसी अले क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी? हाँ, मैंने सपने में सभी को देखा। सभी? वो कह रही थी कि उसे स्कूल जाना है और वो चाहती थी कि हम उसे छोड़ने जाएं। हाँ हाँ, अगर मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा, हम दोनों हर रोज उसे स्कूल छोड़ने जाएंगे। और मैंने खुद को प्रेग्नेंट भी देखा और फिर अचानक से सभी आ गए। सही, मैं जानता हूं तुम्हारा कितना मन था मां बनने का, उस अनुभव को जीने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे पास होगा। सही, क्या पाखी के प्रेगनेंसी डेट के हिसाब से तुम डिलीवरी डेट का अंदाजा लगा सकती? अब मैं प्रक्रिया की डेट के हिसाब से और पाखी दीदी की डिलीवरी डेट के हिसाब से हाँ डिलीवरी का अंदाजा लगा सकती हूँ। तो जल्दी बताओ ना। सही, हम लोग कैलेंडर पे ना मार्क कर देंगे वो डेट, फिर ऐसा लगेगा कि रोज हम हमारे बच्चे के एक कदम और करीब हो रहे, एक कदम और करीब हो रहे। ऐसे सही, हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। सही, छोटा सा बच्चा या मेरे को छोटे छोटे कंट्रोल, बच्चे के आने के लिए इतने उतावले हो रहे बच्चू लाल। तुमसे तो कम ही उतावला हूँ बच्चू लाली। हंस लो, तुम अभी से सभी को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ? अरे वो आइडिया भी आप ही का था। मेरा? हाँ, मेरे सपने में भी आप ही ज्यादा उतावले हो रहे थे बच्चे लाल। क्या फायदा उतावला होने का, बच्चे को आने में 9 महीने तो लगेंगे ना। 9 महीने तो लगेंगे और नहीं तो क्या। पाखी दीदी का फोन है, स्पीकर पर। हाँ पाखी। विराट मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सीने में थोड़ी जलन हो रही है, मैंने तुम्हें डॉक्टर का नंबर मैसेज कर दिया था, प्लीज उन्हें फोन कर दो और जब वो आए क्या तुम उन्हें मेरे कमरे में लेकर आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, ठीक है। रहने दीजिए, पर मेरे पास जलन का इलाज है, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पक्का ना? हाँ, आपको याद नहीं डॉक्टर ने कहा था ना कैसे छोटी मोटी तकलीफों को मैं देख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डॉक्टर को कॉल नहीं करता हूँ। चलिए बाकी दीदी के कमरे में चलते, उनकी जलन का इलाज करते। चलो। अब आओ ना विराट। सब ठीक है ना, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही ना? विराट वो मेरे लिए एक एक रात निकालना मुश्किल हो रहा है, सीने में बहुत जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है। टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा इलाज हो जाएगा। डॉक्टर कब तक आएंगी? बस अभी आती ही होगी। सीने की जलन का इलाज हाजिर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने कहा था ना आपके सीने में जलन हो रही है, आप सो नहीं पा रही है, तो ये तकिए ये आपकी मदद करेंगे, ऐसे ना बैठे बैठे आप आराम से सो पाएंगी और आपके सीने की जलन में ना मदद होगी, और कल सुबह उठते ही मैं आपके लिए
एक नया डाइट प्लान बना दूंगी, उससे भी आपको काफी मदद होगी। विराट, मैंने तुम्हें एक डॉक्टर बुलाने के लिए बोला था, और तुम सही को क्यों लेकर आए? अरे डॉक्टर ने तो कहा था कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो सही संभाल लेगी। आइए ना, बैठिए, मैं मदद करती हूँ। विराट, अब एक आदमी पाखी दीदी की अच्छे से मदद कर पाएगा या फिर एक औरत जो डॉक्टर भी है? ऑफ कोर्स एक डॉक्टर सही ही तुम्हारी मदद कर सकती है पाखी। बस तुमने इसके बारे में जो एक राय बनाई है ना अपने मन में, वो बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड पाखी का ध्यान रखना। ओके पाखी दीदी, बैठिए, बोलो क्या करना है? क्या हुआ, आप इतना भड़क क्यों रही हैं? ओ अच्छा अच्छा, आपका प्लान फेल हो गया ना, गुस्सा तो आएगा ही। आपको क्या लगा था इतनी देर रात आप मेरे पति को अपने कमरे में बुलाएंगी और मैं आने दूंगी? मतलब मानना पड़ेगा, काफी आशावादी हैं आप। जी तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे आपके इरादे पता है पाखी दीदी, प्रेगनेंसी को जरिया बनाकर आप मेरे पति के करीब आना चाहती हैं। मेरे इरादे गलत नहीं है सही, और तुम गलत सोच रही हो। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ पाखी दीदी, क्योंकि मैं ना आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। जब सम्राट दादा यहाँ नहीं थे तब भी आप आए दिन कोई ना कोई हथकंडे अपना कर विराट सर के पास जाने की कोशिश किया करती थी। कभी आप हमारे कमरे में घुसा दी थी, कभी विराट सर को अपने पास अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करती थी। आए दिन आपको कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। और जब से सम्राट दादा हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं, आपने अपनी वही हरकतें दोबारा शुरू कर दी हैं। इसलिए तो आप मुझे खुद से दूर रखना चाहती हैं, इसीलिए आप मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, आप मुझे आपका ख्याल नहीं रखने देती, आप नहीं चाहती कि मैं आपका इलाज करूं, आप नहीं चाहती कि मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि आप मुझसे दूरी रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर मैं आपके पास रही तो आप मेरे पति के पास नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि मैं जाने ही नहीं दूंगी। बकवास है ये सब। ये बकवास नहीं है, ये सच है, इसीलिए आपको इतना गुस्सा आ रहा है। मैं आपसे कहा करती थी ना पाखी दीदी कि एक बार मैं डॉक्टर बन गई तो मैं एक घर छोड़ के चली जाऊंगी, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप विराट सर के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए, उनके करीब आने के लिए क्या क्या चालें चलती हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, मेरा और विराट सर का रिश्ता बदल गया है। मैं विराट सर से बहुत प्यार करती हूँ, पति हैं वो मेरे, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात आप जान लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। और मैं आपके इन गंदे इरादों को अपने और विराट सर के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं ना शुरू से विराट सर को कह रही थी कि आपका हमारे बच्चे के लिए कोक देना, ये सब ना इस सबके पीछे आपका कोई मकसद है, और मुझे अब आपका मकसद समझ में आ गया है। अब बच्चे की आड़ में विराट सर के करीब आना चाहती, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? और कितना गिरेंगी पाखी दीदी? पहले ये बता तू कितना गिरेगी सही? इतनी रात गए तू पत्र लिखा के कमरे में क्या कर रही है? बड़ी मामी, मुझे सीने में जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने विराट को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन सही भी उसके साथ यहाँ जबरदस्ती आ गई, और अब ये डॉक्टर को भी बुलाने नहीं दे रही है। तुझे खास हिदायत दी थी ना कि पत्रलेखा को तेरी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फिर तू क्यों जबरदस्ती अपनी डॉक्टरी झाड़ने आई? आपने मुझे पाखी दीदी की डॉक्टर बनने से मना किया था, लेकिन मैं तो यहाँ एक माँ की हैसियत से आई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे है।
अगर आप तकलीफ में हैं, तो मेरा बच्चा भी तो तकलीफ में आएगा ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और आप लोग मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते, इस बच्चे की माँ मैं ही हूँ। और अगर मेरा बच्चा मेरे गर्भ में होता और अगर मेरे सीने में जलन होती तो मैं अपना ख्याल रखती ना, बस इसीलिए मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए आई हूँ, पाखी दीदी का ख्याल रखने। ठीक ही तो कह रही है, सही इसी के कहने पर तो मैं पत्र लिखा के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई ताकि तुम्हें राहत मिले। सही अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही है भाई। चलिए आइए लीजिए। आराम से। बाकी दीदी अब आपको ऐसे ही सोना है, इससे ना आपके सीने की जलन को आराम मिलेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आऊंगी देखने आप ठीक है या नहीं। देख रही हैं बड़ी मामी, आपके बोलने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा था ना कि सही डॉक्टर के तौर पर मेरे करीब नहीं आएगी, लेकिन अब तो वो माँ का चोगा पहनकर आ गई। आप एक माँ को उसके बच्चे से दूर रख ही नहीं सकते। सही यही रहेगी, इसकी आदत डाल लो पत्र लेखा। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है दोनों के लिए ठीक होगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।